छोटा सुमिरन सिंह साहब, इसमें ये पॉलिटिकल मामला कैसे हो जाता है, ये सियासी मामला कैसे हो जाता है? संबित जी कह रहे हैं कि पिटिशनर्स हैं, पांच महिलाएं हैं जो कह रही है एक बार हमें पूजा करने की इजाजत दी जा रही है, 92 के बाद से हम रोज पूजा करना चाहते हैं, वो कोर्ट गई हैं और ये सब कुछ फैक्ट फाइंडिंग में आया है, वही सर्वे जिस पर सब पर्देदारी कर रहे थे। देखिए अंजना जी, आपने जब शो शुरू किया तो जो सबसे पहला सवाल आपने किया कि क्या शिव ही सत्य है, तो उसमें कोई दुविधा नहीं है, शिव ही सत्य है। लेकिन जहां तक मामला न्यायालय में है, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है, तो जो देखिए आस्था एक हमारा आपका विषय हो सकता है, संबित पात्रा का विषय हो सकता है, स्वामी जी का विषय हो सकता है, किसी का विषय हो सकता है, लेकिन ये देश आस्था से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। और मुझे लगता है कि जब मामला न्यायालय में चला गया है, सारी जांच हो गई है, वीडियोग्राफी हो गई, फोटोग्राफी हो गई है, वो कल माननीय न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय भी इस मामले में कल सुन रहा है, तो मुझे लगता है कि जो कानून से रास्ता निकलेगा वही सही रास्ता होगा। नगरी तो बाबा की है, क्योंकि संबित पात्रा जी ने बहुत अच्छी कविता पढ़ दी, लेकिन इसी बाबा की नगरी में कितने बाबा के मंदिर टूटे हैं, इस पर इन लोगों ने कभी बात नहीं की। इसलिए सियासत है, ये सियासत इसलिए है कि बेरोजगारी पर बहस ना हो, सियासत इसलिए है कि महंगाई पर बहस ना हो, नफरत कैसे बढ़ाई जाए, सियासत इसलिए। भाई कल जजमेंट, कल माननीय न्यायालय के सामने जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा, आज ही लोग टीवी चैनलों पर बैठ करके फैसले सुना रहे हैं। हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम फिर कह रहे हैं हम कानून के पक्ष में है, संविधान के पक्ष में, लेकिन जिस तरीके से फैसले सुनाए जा रहे हैं उससे लगता है कि यहाँ सियासत हो रही है। कोर्ट का फैसला आपको सियासी लग रहा है? नहीं, कोर्ट का फैसला नहीं, कोर्ट पे तो हमने कोई कौन टिप्पणी नहीं, तो फैसले कौन हमने तो पहले ही कहा, कौन फैसले सुना? टीवी पर बैठकर, भाई टीवी पर बैठकर एक पक्ष कह रहा कुछ नहीं मिला, एक पक्ष कह रहा मिल गया, तो हमको आपको सबको इंतजार करना चाहिए कि जो न्यायालय के सामने गया, न्यायालय तो झूठ नहीं बोलेगा, हमें भी न्यायालय पर भरोसा है, समी जी को भी न्यायालय पर भरोसा है, ये भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, वो अलग की बात है कि हम लोगों को ये लोग कभी कभी हिंदू मानते हैं, जब अधिकार देना होता है तब फिर नहीं मानते हैं, जब मंदिर में पुजारी बनाने का नंबर आएगा तब फिर नहीं मानेंगे, वैसे तो ओबीसी एससी एसटी सब हिंदू हैं। संबित देखिए, आप सोचिए जरा, षड्यंत्र कितनी गहरी है। यहां पर ओबीसी एससी एसटी इसके नाम पर हिंदुओं को खंडित करने के लिए हमारे सुनील भाई ने जिस प्रकार का एक प्रयोजन रचा, ऐसा नहीं है कि मैं और आप समझ नहीं पाए, और ये सदियों से इस देश में कुछ लोग इसी प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं अंजना जी, बाबा का भव्य शिवलिंग इसमें हिंदू और मुसलमान का विषय नहीं है, ये हिंदुस्तान का धरोहर है। द्वादश शिवलिंगों में से विराट स्वरूप बाबा का, काशी नगरी जो बाबा की नगरी है, आप सोच के देखिए। आज ये छोटा ये विषय मेरा सुनील जी के साथ या सोएब जमाई के साथ तूतू मेमे का विषय नहीं है। और बिल्कुल सही कह रहे थे स्वामी दीपंकर जी, ये तो विक्रमादित्य जी ने, महाराजा विक्रमादित्य जी ने भी जीर्णोद्धार किया था, ये संस्कार है, अनादिकाल से बाबा वहां है। और अगर आज वास्तविक रूप में जो शिवलिंग मिला है वो द्वादश शिवलिंग है, तो ये प्रत्येक भारतवासी के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो शोएब जमाई हो या मुसलमान हो, हैं तो हम इस मिट्टी के संतान ना, इस मिट्टी के धरोहर का एक विराट अंश आज मिला है हम सबके लिए। आज प्रसन्न होने का दिन है, लड़ने का दिन नहीं है। ये आर्कियोलॉजिकली ऑल्सो आप अगर देखेंगे पुरातत्व के दृष्टिकोण से, तो पुरातत्व के दृष्टि और पास एक के पास पूरा कर ले, चिल्लाने वो पूरा कर ले, फिर कॉरिडोर पर आपका सवाल मैं ले लूंगे इनसे, पहले उनको पूरा कर लेंगे, पूरा ही कर। जवाब तो इनको बनता है नहीं, कह रहे चिंता करें, चिंता कर रहा हूँ। देखिए अंजना जी, हम लोग सब अपने अपने समय पे बोले, इतना बौखलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी की निगरानी में टूटी है, सरकार की निगरानी में टूटी है, और उसको पास के एक यहाँ से आपने डंप यार्ड में जाके डंप यार्ड कर दिया। अंजना जी जरा ये शांत हो जाएंगे क्या जी, उस पर जवाब दीजिए जरा। सुनील जी भी ने वही बात कही है। मुझे तो समझ में नहीं आता ये लोग क्या,
ये कभी कभी कहते हैं हम हिंदू विरोधी हैं, कभी कहते हैं हम पूरी हिंदू पार्टी हैं, तो देखिए इनके पास तथ्य नहीं है। जिनके पास तथ्य नहीं होता है ये इसी प्रकार की अनर्गल बातें करेंगे। हम इंतजार करेंगे, हम श्रद्धा के साथ इंतजार करेंगे। देखिए यही सोहेब जमाई जी ने कहा था, तो राम मंदिर तो हम बनने नहीं देंगे। यही समाजवादी पार्टी ने कहा था और गोली मारने की आवश्यकता पड़े तो हम और गोली मारेंगे। यही समाजवादी पार्टी ने कहा था भक्तों को और गोली मारने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम भक्तों को और गोली मारेंगे। पूछ रहा हूं डॉक्टर साहब, भगवान राम ने अपना काम कर लिया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनते वक्त कितनी मंदिरें छोटी-छोटी आप लोगों ने तोड़ दी है। कौन है सिंपल सिंपल पूछने वाले? जमाई साहब स्टूडियो में बैठे हैं तो ऑडियो नहीं मैं कम कर सकती हूं, लेकिन रिक्वेस्ट जरूर कर सकती हूं खंबीर जी से, कम से कम वाद विवाद तो कर सकते हैं। ठीक है, जवाब सुनिए, कोई बात नहीं, वो जवाब नहीं दे रहा था जमाई साहब। कॉरिडोर पे, काशी कॉरिडोर पे पूछ रहे हैं परेशान है। उस समय कई मंदिरों को आपने हटाया तोड़ा मूर्तियां आपने एक ही डंप यार्ड में, उस पर जवाब दे दीजिए जरा, क्यों तोड़ा वो? अंजना जी ये कुछ भी पूछते रहेंगे आज ये बौखलाते हुए नजर आएंगे। बाबा जो मिले हैं वो हमको पता है, बाबा जो मिले हैं नहीं नहीं हकलाने नहीं लगे। और एक बात बता दूं, जो लोग हकलाते हैं उनके लिए भी आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मत करें। आप थोड़ा सा सिविलिटी दिखाएं। आप देखिए देखिए सोहेब जमाई जी, आप अपने आप को सऊदी अरबिया का मत सोचिए कि आप सऊदी अरब से आए हैं, इसी मिट्टी के संतान आप। इसलिए ये जो उछल उछल करके अनर्गल यहाँ पर उच्चारण अपने ही देश के खिलाफ कर रहे हैं, याद रखिए। नहीं नहीं, आप समझिए, आप समझिए, जो बाबा मिले हैं ये आपके भी बाबा हैं, ये आपके भी बाबा हैं, ये आपके भी बाबा हैं, याद रखिए। आप भले उनको ठुकरा के रखिए, वो आपको भी आशीर्वाद देते हैं, याद रखिए। हमारी आस्था है कि भाई यहाँ से जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी।